गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी बज रहे हैं 10:30 और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और अभी बनाना है मुझे लंच। एक्चुअली कल मैंने क्या किया था, थोड़ा सा चेंजेस लाई थी मैं कि मतलब ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैंने वीडियो एडिट और अपलोड कर दिया था, उसके बाद मैंने लंच बनाया था। बट आज बना लूँगी, फिर देखते हैं नहाना कब होता है क्या होता है। आज थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, मतलब मैं जो सोच रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है यार। आपके साथ भी ऐसा होता है यार, होता है क्या, मतलब जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। आई डोंट नो, चलो जल्दी से बना लेते हैं लंच। मेरा कान इतना लाल लाल क्यों लग रहा है, मैंने शायद रगड़ दिया था इसीलिए। ये वाला सही है, ये वाला देखो लाल लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले बस रगड़ दिया था। तो चलो बना लेते हैं लंच, क्या क्या बनाऊंगी दिखाती हूँ। चलो आज मैं बना रही हूँ साग, ये देखो ये है नोटे साग। जब मैं ढक दूंगी इसे और इधर मैं एक मिक्स्ड वेज बना रही हूँ, उसके लिए आलू परवल और आई डोंट नो क्या बोलते हैं, तो उन सबको एक साथ थोड़ा सा बॉईल करने के लिए दिया है, क्योंकि डायरेक्टली अगर फ्राई करोगे पहली बार तो परवल बॉईल मतलब नरम होने का नाम ही नहीं लेता और ज़्यादा ऑयल लगता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए बॉयल हो चुका है वो। और ये देखो यहाँ पर मैंने छौंक लगा कर रख दिया है, जिसमें है सरसों, लहसुन और क्या बोलते हैं सूखी मिर्च, थोड़ा सा ऑयल, यही सेम छौंक मैंने साग पे भी दिया है, और थोड़ा सा नमक, चीनी और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। और इसे मैंने रखा है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आम का दाल, जो मैंने बहुत बार कहा है आप लोग भी खाया करो गर्मी में, आम की कुछ भी खाओ यार, क्योंकि खाओ बहुत ज़रूरी है खट्टा खाना, उससे लू नहीं लगता है, इतना ज़्यादा हीट नहीं लगता है, तो इसीलिए। और ये बनेगा, ये है चोखा। एक्चुअली आप लोग सोचोगे कि हम हर रोज़ आलू चोखा ऐसा क्यों खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे करेले मतलब 1 किलो शायद करेला लेकर आए हैं मेरे पति देव, तो आधे से ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा है, तो इसीलिए ऐसे चोखा बनाकर खा रहे हैं, क्योंकि फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, तो मैं तो फ्राई नहीं पसंद करती हूँ। इस घड़ी पे मत जाना ठीक है, ये अभी 1 घंटा लेट चल रहा है, 1 घंटे से ज्यादा पता नहीं कितना घंटा। आज सुबह मैं उठी, मैंने देखा 7:30 बज रहा है, बट ओरिजिनली उससे काफी ज्यादा बज रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा 9 बजने का बाहर वाला घड़ी पे घंटा बजा, तो अब से जो कितना लेट चल रहा है ठीक है। तो मैं अभी भी नहाकर आई हूँ, और नहाने जाने का ना पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए थोड़ी देर बाद मैंने नहाया। और आज मैंने अभी तक वीडियो एडिट भी नहीं किया है, अपलोड भी नहीं किया है, कब तक करूँगी आई डोंट नो, बट अभी भूख लगी है और मेरे पतिदेव भी आ चुके हैं, तो चलो खाना वाना खा लेते हैं। आज का मेनू देखो सर, ये रहा साग, ये रहा मेरा वाला खट्टा वाला अचार, ये मेरा चावल, ये है मिक्स्ड वेज, ये रहा आलू चोखा, और ये है असली चीज क्या है बताओ, दो दो चटनी, एक चीनी का एक गुड़ का, दोनों ही आम का है, और वहाँ पर खट्टा वाला, तीन तीन अचार के साथ आज हम मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। एक्चुअली आप नोटिस कर सकते हो ये तरफ फूल चुका है थोड़ा सा, एक्चुअली आज दोपहर से बहुत ज़्यादा दांत में दर्द हो रहा है, ये लास्ट वाला दांत, तो वही दिखाने जा रही हूँ। मैंने कहा तो था जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था बीजू को कहा था कि एक बार दिखाना पड़ेगा, बट
कुछ ही दिनों से हो रहा है बट आज बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो दिखा कर आते हैं। बट मुझे बहुत डर लग रहा है यार, अगर दांत को उखाड़ लेगा तो आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है। चलो जो वेट कर रहे हैं, अभी शाम के 8 बजने वाले हैं आई थिंक, ये घड़ी लेट चल रहा है, तो चलो बहुत डर लग रहा है। घर आ चुकी हूँ, थोड़ा सा इधर फूल चुका है, आप लोग दिख रहा है ये नेल पॉलिश अजीब लग रहा है ना, एक्चुअली नेल पेंट रिमूवर खत्म हो चुका था, मतलब लास्ट यही सारे हुआ और ये इसके टाइम पर ख़त्म हो गया। तो हम लोग अभी अभी आए हैं और मम्मी को मेरे कॉल किया था कुछ क्या बोलते हैं ना जिसे पेन किलर, कुछ पेन किलर लाए हैं, मतलब दांत के लिए जो होता है, क्योंकि दवाई मतलब डॉक्टर नहीं था, बंद हो गया था। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है यार, सुई वुई लगा देगा उसके बाद अगर दांत को अगर उखाड़ लेगा तो बहुत दर्द होगा, मुझे नहीं जाना था। बट ये ले गए थे तो फिर भी गए यार, देखा गया बंद है, तो मुझे तो बड़ा मतलब सुकून पहुंचा कि मेरा ना हार्ट बीट बढ़ गया था सच में डर के मारे। बट वहाँ पहुंचे तो देखा बंद है, चलो ठीक है। बट कल भी बंद है तो पता नहीं परसों शायद जाएंगे, देखते हैं। फिलहाल पेन किलर लाए हैं, उसी खाकर अभी बंद करना पड़ेगा इसे, मतलब दर्द को। तो हाँ, उसके बाद पासी में हमारा मोमो, जहाँ पर हम लोग मोमो खाते हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ है अभी मैं खा नहीं सकती, बहुत दर्द कर रहा है ठंडी खाकर, मतलब इधर भी खा रही हूँ तो इधर इफेक्ट आ रहा है, तो इसीलिए गर्मा गर्म मोमो खाए हम लोग पीजू तो मतलब ही वॉज स्वेटिंग अ लॉट, मुझे भी स्वेटिंग आ रहा था। बट क्या होता, मुझे आराम लग रहा था क्योंकि गर्म है ना। अभी खाना वाना खा के पेन किलर खाएंगे, मैंने अभी देखो चेंज भी नहीं किया है, आज आकर ऐसी ही पड़ी हूँ। ये तो आप लोग समझ ही गए हो कि ये ब्रेकफास्ट था, डिनर नहीं, क्योंकि कल रात को ना मैंने पेन किलर लेके मैं सो गई थी, बहुत दर्द कर रहा था। बट मेडिसिन लेने के बाद मेरा दर्द काफ़ी मतलब बहुत हद तक कम हो गया है, तो आई एम फाइन नाउ। आपको तो पता ही है मेरे पति देव ब्रेकफास्ट में लेते हैं रोटी और दही, उन्हें सब्जी कुछ भी तो वो नहीं खाते। आपने देखा ना जो सब्जी बनाया था मम्मी ने, वो भी नहीं खाए, बस रोटी और दही खाकर चले गए। 3 रोटी दिया था तो 2 खाए से, ठीक है। ऐसा मतलब कौन चाहेगा यार, सुबह सुबह उठ के रोटी बनाओ फिर नहीं खाए तो कितना मतलब गुस्सा आता है, आप ही बताओ, है ना। चलो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड द वीडियो, अगर अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली किसी के भी साथ प्लीज़ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उसके पास में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मैं फिर मिलती हूँ मेरी किसी और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को तो ये मेरा लास्ट वाला डायलॉग मतलब रट चुका होगा, है ना।